क्या हाल है भाइयों के, इस वीडियो में वेलकम चैनल अपलोडिंग वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं R5V4 की डिलीवरी लेने के लिए। तो शोरूम चल के मैं आपको बताता हूँ दैट किसकी डिलीवरी है, कौन सा कलर वेरिएंट है। एंड दिस वाज अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर मी, मेरे को भी अभी अभी फ़ोन आया था और जब भी मैं सिर्फ उठा हूँ, और अभी जैसे ही उठा हूँ वैसे ही मैं शोरूम को मतलब भाग रहा हूँ। जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस, सो थोड़ी सी गलतियाँ वगैरह हो जाए तो माफ़ कर देना। सो गाइज दिस इज़ R5V4 इन फ्रंट ऑफ यू। इंटरेस्ट में गाइज बहुत ही यूज है, फेयरिंग इन्होंने पूरी की पूरी कवर कर दी हुई है। और अंदर मैं कुछ देख रहा हूँ यार, शार्क जैसे फिन टाइप है, बट नेवर माइंड, थोड़ी सी मेरे को छोटी लग रही है हाइट में। तो अभी इसको मैं ऑन करने जा रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा कुछ। इसका मीटर है छोटा कर दिया हुआ, मीटर स्टैंड हटा दिया, तो किल स्विच इन्होंने बिल्कुल रिमूव कर दिया है। जैसे सुपर बाइक्स पे यहाँ से ऑन होती है वैसे ऑन होगी। और भाई नई नई बाइक ओनर से लाता है, बट ओनर से लड़के मैंने ले ली है। और जो इसकी हैंडल की पोजीशन है वो थोड़ी सी अपवर्ड है एज कम्पेयर टू R5V3। पिकअप में मेरे को थोड़ा सा ड्रॉप लग रहा है, बट पॉसिबल ये भी है कि नई चीज़ है इसलिए। बट सस्पेंशंस भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जो मेरी R5 है उसके सस्पेंशंस थोड़े से स्टिफ हैं, बट इसके बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। तो इन्होंने बोला दैट 2000 RPM के बाद जो किक शिफ्टर है वो ऑन होगा। एंड आई डोंट नो व्हाई क्विक शिफ्टर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, या फिर मेरे को चलाना नहीं आ रहा है। थोड़ा सा KTM की तरह इसको लीन जैसा कर दिया है, मतलब थोड़ा सा वाइड आता है जैसे R5 का जो ट्रेडिशनल आता है जो मेरी R5 में है, तो ये थोड़ी सी लीन है। तो ऐसा कुछ इसका कॉन्सोल है, कूलेंट का टेम्परेचर भी दिख रहा है भाई खतरनाक। तो यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही ह्यूज है ये, और इसका जो हैंडल बार है वो भी चेंज है। अब भी चला गया शिफ्टर भाई। अभी नहीं चल रहा है, आई डोंट नो कि कैसे एक्टिवेट होता है क्विक शिफ्टर। नहीं चल रहा, आई डोंट नो, मतलब गलती से एक बार हुआ, एक जो गियर मैंने चेंज करा है वो क्विक शिफ्टर के साथ हुआ है, बट अब नहीं हो रहा। बाकी मेरे को पता क्या प्रीमियम फील दे रहा है, अभी देखना जब मैं इसको हाई RPM पे करूँगा। यहाँ पे जो इंडिकेशन बटन वाइज आती है ना भाई, वो है सबसे ज़्यादा सही। अभी तुम देखना ये, जो ये वाला इंडिकेशन है वो मेरी बाइक में एक सिंगल आता है। अभी चला क्विक शिफ्टर। उसने हमको गलत इंफॉर्मेशन दी शोरूम वाले ने कि 2000 RPM के बाद चलेगा, 2000 RPM के बाद नहीं चलेगा। ये मेरे को देखना पड़ेगा कि कब जैसे चल रहा है। अगर एग्जॉस्ट नॉट की बात करी जाए तो सिमिलर है R5V3 की तरह ही। बाकी मेरे को इसको मोड्स में डालना था, जैसे एक ट्रैक मोड आता है तो उस पर डाल के देखते कि क्या डिफरेंस आता है। तो ट्रैक मोड को एसेस कैसे करेंगे, सिलेक्ट तो मैंने कर लिया, ट्रैक लिखा तो आ गया, बट आगे का मेरे को पता नहीं लग रहा है कि क्या करना है।
कारण है इसके सस्पेंशन इतने प्यारे हैं ना भाई, मज़ा आ जा रहा है। सो गाइज अगर एक वॉक अराउंड देखे इस बाइक का एज कम्पेयर टू R15 V3 तो कमेंट्स में आप बताओ कौन सी बढ़िया लग रही है। मेरे को तो अपनी राम प्यारी बढ़िया लग रही है, बट टू बी ऑनेस्ट इसके लुक्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत ज़्यादा मतलब सुपर बाइक की तरह है, तो बढ़िया लग रही है भाई। और ख़ास करके जो फेयरिंग इन्होंने बंद करी है, जो मेरे में फेयरिंग ओपन नहीं है, देखो इसमें ओपन नहीं है, इसमें बंद है, तो ये भी सुंदर लगती है। सो गाइस अभी हम अपाचे 200 चलाएंगे और हम जा रहे हैं घर को। बाकी बाइक मैंने अभी इसीलिए स्विच करी है। अरे भाई 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 व्हाट इज ही डूइंग। हो गया था सीन अभी। So now we are back on our Rampyari. And to be honest guys, मेरे को तो Rampyari ही पसंद है और यही मेरे को सूट करती है। बाकी में मेरे को थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होती है, अपाचे में भी थोड़ी सी ऑकवर्डनेस थी, V4 भी मतलब ठीक ठीक थी। अगर आप मेरे को पूछते हो कि तेरे पास पैसे हैं और तू R15 V4 लेने जाएगा V3 के मतलब होने के बावजूद भी, तो आई डोंट थिंक कि एक वाइज डिसीजन है। बाकी गाइस V4 की टेल तो बिल्कुल सिमिलर है V3 की जगह, बट पिलियन कंफर्ट मेरे को देख के लग रहा है कि इसमें ज़्यादा है, बिकॉज आप देख सकते हो जो सीट हाइट है पिलियन वाली वो कम है और पिलियन बैठा हुआ इस पर ऐसा लग रहा है, तो देख के तो यार इतना अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है, बिकॉज हाइट में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है बस। तो बड़ी है। और ये हमारे ओनर जी की स्माइल देखो, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भाई होती है नई नई बाइक मिलती है, जब पहली बाइक मिलती है तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी और पिलियन के साथ मतलब ऐसा कंफर्ट है, तो बढ़िया है, कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू V3। बाकी अगर चेंजेस की बात करी जाए तो थोड़ा सा हैंडल में मेरे को चेंज लगा है, कॉन्सोल तो पूरा का पूरा ही चेंज है, तुमने अभी वीडियो में भी देखा। तो अगर मेरे पर्सनल व्यूज़ पूछे जाएँ तो मेरे को तो मेरा यही वाला कॉन्सोल अच्छा लगता है, मतलब ये थोड़ा सा लंबा है और वो वाला थोड़ा सा छोटा है, तो समझ रहे हो तुम, मतलब मेरे को ऐसे बढ़िया लगता है। बाकी पावर में थोड़ा सा मतलब प्राइस कट तो कहीं ना कहीं करना ही था इन्होंने, तो पावर कट कर दिए। बाकी जो हैंडल है आप डिफरेंस देख सकते हो, हैंडल उसका थोड़ा सा मतलब अपवर्ड है थोड़ा सा, ये मतलब थोड़ा सा नीचे है, मतलब थोड़ा सा आपको बेंड होना पड़ता है, बट वो थोड़ा ज़्यादा राइडर के पास आता है। जस्ट होप आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है कि वो वाला जो हैंडल है वो राइडर के पास आता है और ये वाले में राइडर को मतलब पूरा ऐसे बेंड होना पड़ता है। तो ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं नहीं, फेयरिंग वाला एक चेंज था। बाकी तुमको यही मैं तुमको बता रहा था V3 पे बैठ के कि थोड़ा सा उन्होंने मतलब इसको ऐसे कॉम्प्रेस सा कर दिया हुआ है। अभी तुम V3 पे देखो, V3 पे ऐसे वाइड सा मतलब ऐसे खुला सा, बट अगर तुम V4 को देखो तो उसका ये जो फेयरिंग थी इन्होंने थोड़ा सा मतलब ऐसे कॉम्प्रेस करी हुई है, पतली सी करी जैसे KTM की होती है। तो एक मतलब डिलीवरी वीडियो थी ये। अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए R15 V4 के ऊपर तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट्स में बताना। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं गाइज़। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।